नमस्कार, कॉटन कॉम्प्लेक्स मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज थर्सडे 29 जुलाई। देखिए, पूरे कॉटन कॉम्प्लेक्स की बात करें तो मार्केट एक नए ही तरीके से मार्केट मूव कर रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल में भी शॉर्टेजेस हमने देखा, वेदर कंडीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट था जिसकी वजह से प्राइजेस को कंटिन्यू सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इंटरनेशनल में भी हमने देखा कि कॉटन के प्राइजेस 90 सेंट के ऊपर अच्छे से ट्रेड कर रहे। वहीं चाइना से भी हमने देखा कि कंटिन्यू डिमांड बनी हुई है, जहाँ पर हमने कल भी 1% से ज़्यादा की तेजी कॉटन यार्न में आते हुए दिखे। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में कपास की बात करें तो 1420 का एक अच्छा लेवल था, उसके ऊपर मार्केट अच्छे से ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कहीं ना कहीं 1450-60 तक का भी लेवल दिखा सकता है। आगे जाकर अगर हम कॉटन सीड ऑयल केक की बात करें तो अगस्त सितंबर और दिसंबर महीने में हमने अच्छी खासी तेजी बनती हुई देखी। खास करके इम्पॉर्टेंट जो है वो दिसंबर वायदा है, क्योंकि दिसंबर वायदे में 1% की तेजी आना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम देखते हैं कि नया माल आने के बावजूद अगर दिसंबर में तेजी आ रही है, कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि जो प्रोजेक्शन आ रहे हैं सोइंग के वो कहीं ना कहीं मिसगाइडिंग है। क्योंकि एक तरफ हमने देखा कि कॉटन वर्ल्ड कॉटन स्टॉक का जो प्रोजेक्शन आया है वो 89.3 मिलियन बेल का बताया जा रहा है, जो लोवेस्ट इन 3 ईयर्स है, जिसकी वजह से कॉटन के प्राइजेस को तेजी मिल रही है। बट वहीं अगर हम ग्लोबल प्रोडक्शन की बात करें तो ग्लोबल प्रोडक्शन में बताया जाता है 5% हायर है एट 118.9 मिलियन बैरल, बट अभी भी जो रिकॉर्ड हाई हमने 19 में देखा उसके काफ़ी नीचे है। तो कहीं ना कहीं ये सिमिलरिटी दिखा रहा है। वहीं कॉटन सीड ऑयल की भी अगर बात करें तो टाइट सप्लाई बना हुआ है, जो प्राइजेस को सपोर्ट जरूर कर रहा है, बट उसके बावजूद अगर आप देखोगे तो 29.20 के ऊपर प्राइसेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहे, क्योंकि हायर लेवल पे कोई भी बाइंग करने से घबरा भी रहा है, बिकॉज हायर लेवल पे प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पा रही है। तो आई थिंक मार्केट बाकी एग्री कमोडिटी कैसे मूव करता है उसके बेसिस पे ज़्यादा चलेगा, क्योंकि हमने पिछले 2-3 दिनों में देखा एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स भी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे तेजी के चलते थोड़ा बहुत सपोर्ट कॉटन सीड ऑयल केक को भी मिलता हुआ दिखाई देगा। तो समझ के चलिए कि अगला 1 हफ्ता 10 दिन बारिश, सोइंग और अदर कमोडिटी में क्या हो रहा है ये इम्पैक्ट करेगा कॉटन सीड ऑयल केक को और साथ में कॉटन को। कॉटन में नो डाउट अभी भी तेजी लग रही, बट कॉटन सीड ऑयल केक जब तक एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर है, जब तक वो ट्रिगर कम्प्लीट नहीं करता है, आई थिंक अपसाइड थोड़े कैप है। अब हम चार्टिकली अगर देखें तो देखिए ये एक पैटर्न बना हुआ है हार्मोनिक का, जिसको हम बैरिश पैटर्न बोलते हैं, और आप देखिए ये डबल पैटर्न है। पिछली बार यहाँ से मतलब 2900 से ये बना था, और जैसे ही हमने ये देखा इमीडिएटली मार्केट 2400 तक का लेवल दिखा दिया था। सिमिलरली इस पैटर्न की खास बात ये है कि जब भी ये पैटर्न बनता है वहां से ही मार्केट घूम जाता है। आप चाहिए तो इधर डार्क साइड में भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ पैटर्न बना था 2100 पे, और जैसे ये ट्रिगर हुआ इमीडिएटली हमने 1800 का लो बनते हुए देखा है। तो ये पैटर्न काफी इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा बुलिश पैटर्न बना था कितने पे, 2350 पे, और देखिए पैटर्न बनने के बाद तुरंत मार्केट ऊपर रॉकेट की तरह भागा और 3000 का लेवल छू दिया। तो ये पैटर्न जो बनना है ये काफी, यहाँ पे भी आप देखिए स्टार्टिंग में तो यहाँ पे भी ये पैटर्न बना और बनते ही मार्केट ने 2800 से सीधा 3200 का हाई मार दिया। तो ये पैटर्न बैरिश का बना, वो भी काफी बड़ा पैटर्न बना है, तो ये थोड़ा चिंताजनक। तो इन शॉर्ट मैं बोल सकता हूँ सितंबर वायदा जब तक 3100 के ऊपर नहीं जाता है आप पकड़ के चलिए कोई तेजी नहीं है। ठीक है, सप्लाई नहीं है, नया माल आएगा, मैं भी तेजी पकड़ के चल रहा हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है प्राइजेस 2700 से लेकर 3100 के बीच में अटक चुका है। तो बड़ा कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए, 3100 के ऊपर जाएगा तो ही हम बाय करेंगे, जो 3300, 3400, 3500 की बातें हो रही है वो होती रहेगी, और 2700 का लेवल तोड़े तो कोई भी लॉन्ग मत रखिए, क्योंकि उसके बाद फ्री फॉल रहेगा जो 2400 से लेके 2200 भी दिखा दे। तो एज ऑफ नाउ जब तक ये रेंज, आप देखिए पिछले 1-1.5 महीने से मार्केट इसी दायरे में घूम रहा है, तो ज्यादा उत्साहित मत होइए कि प्राइजेस में बहुत बड़ी तेजी है या बहुत बड़ी मंदी है। जब तक 3100 का लेवल या लेट से 3040-50 का लेवल नहीं तोड़ता है या 2800 के नीचे या 2700 के नीचे नहीं जाता, कुछ भी नहीं होने वाला, मार्केट एक दायरे में ही ट्रेड करेगा। वहीं अगर हम कॉटन सीड ऑयल के अगस्त वायदे की बात करें तो कल की हमने एक उछाल के बाद प्राइजेस को आज सपोर्ट जरूर मिला, बट 2920 का लेवल तोड़ेगा तो 2970 तक मिल जाएगा, बट सस्टेनेबिलिटी आई डाउट, यहाँ पे मार्केट सस्टेन होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो आज का रेंज रहेगा 2860 से लेके 2960 का, 2920 के ऊपर निकलता है तो बाइंग की जा सकती है, बट सस्टेनेबल नहीं है, लॉन्ग पोजिशन कैरी मत करके जाना। वहीं कॉटन की बात करें ये अभी भी ओवरबॉट में, बट ट्रेडिंग कंटिन्यू तेजी में है, 27000 के ऊपर 27800 के लिए लेके चलिए। वहीं इंटरनेशनल में भी आइस कॉटन 90 का लेवल तोड़ चुका है, 93 तक के लेवल आने वाले दिनों में दिखा सकते हैं, क्योंकि वेदर कंडीशन काफी डिस्टर्ब्ड है इंटरनेशनल मार्केट में और डिमांड भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। तो ओवरऑल आज के लिए बाइंग साइड है कॉटन सीड ऑयल केक में, बट